हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स. इन दैट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 लास्ट सम्स 6th वन 3x अपॉन 2 माइनस 3 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2. सेकेंड इक्वेशन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6. पहले हम इसको है ना ये एलसीएम से निकाल देते हैं. तो इक्वेशन 1 और 2 एलसीएम निकाल के ये जो फ्रैक्शन जो है उसको हम निकाल देते हैं बाय एलसीएम थ्रू से. ओके, अब 3 और 2 तो आपको मैंने बता दिया है, तो 6 ही आने वाला है. आप कुछ भी करके ये 3 इससे मल्टीप्लाई करो, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करो, सेम यहाँ पे 3y से 2x से करो. ओके, तो वैसे ही अभी हम देखेंगे 3 इंटू 3x कितना होगा 9x, माइनस 2 इंटू 5 कितना होगा 10y. ओके, अपॉन 6, अभी यहाँ पे भी हम 6 कर देंगे, इजिकल टू 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या आया, ये 2 इधर ले लेते, 6 वहाँ पे ले लिया. ओके, 6 वहाँ पे ले लिया, सो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12. ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने निकाल दिया, देखो कितना इजी था. ओके, अब सेकेंड पार्ट में भी देखे, 2 इससे मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 13 अपॉन 6. ओके, 6 13 अपॉन 6 हमने वो कर दिया. और आपको मैंने पहले एक बार बताया था डिनोमिनेटर सेम होता, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कैंसिल. सो इसके इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. ये हमारा सेकेंड इक्वेशंस आ गया, सेकेंड इक्वेशंस भी हो गया. अब हम फर्स्ट इक्वेशंस का हम देखते हैं फ्रॉम द गिवन फर्स्ट इक्वेशन. फ्रॉम द गिवन फर्स्ट इक्वेशंस पे पहला फाइंड करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 12 है तो क्या आएगा, माइनस 10 है तो 10y माइनस 12. ओके, अपॉन ये 9 नीचे, x का वैल्यू हो गया. हम अभी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस x इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 पे हम ये सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर देंगे. इक्वेशन 2 यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 2 पे है. तो x का वैल्यू क्या है, 2 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13. ये आप लोगों को मैंने बता दिया, इसके लिए रब आउट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है. आप लिख के रख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. ओके, अभी यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया है, तो अभी हम 9 पे इसे कट नहीं होगा 2 से. सो 2 क्या करेंगे, 20y माइनस 24 अपॉन 9 लिख देंगे. ओके, 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13. ओके, ये कर दिया हमने. अब ये क्या करेंगे, हम ये जो 9 है ये दोनों पे ले लेते हैं. ओके, सो कॉमन हो गया, 20y माइनस 24 प्लस 9 3 जा कितना है 27y, और 13 9 जा कितना है, मैं तो भूल गई, 13 9 जा कितना है 117 इज इक्वल टू 117. ओके, अब y को हम एक साथ ले लेते हैं, 20y प्लस 27y कितना होता है 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 117. ओके, तो ये 24 नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, 47y कितना है 4 प्लस 7 11, 131 आ गया, 141 आ गया है. अब 141 47 से डिवाइड करना है, y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47. अब हम देखते हैं 47 के 3 के टेबल पे देखते हैं, क्योंकि 1 आता है 1 2 12 14. सो 3 आ गया, 14 1 जा 3 जा, सो y इज इक्वल टू हमें 3 मिल गया, y हमें 3 मिल गया. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. प्लीज दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि मैं रब आउट करने वाली, फटाफट लीजिए.
अभी क्या करेंगे इसको, हमें जो वैल्यू मिली है ओके ये वाई की वैल्यू मिल गई, वाई क्या है थ्री है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन पर डालेंगे, थर्ड इक्वेशन कौन सा है, ये जो x इज इक्वल टू 10x माइनस 12/9 वो वाला फर्स्ट इक्वेशन पे हम डाल देते, सब्सटीट्यूट द इक्वेशन y इन द सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन दिस वन ओके। x इज इक्वल टू तो हमें पता है 10x है, 10x की जगह y 10y है तो y की जगह हम क्या करेंगे 3 कर देते हैं, 3 माइनस 12/9 30 माइनस 12/9 अब 30 में से 12 जाएगा तो कितना आता है 18/9 सो x की वैल्यू क्या है 2 9 वन जा 9 टू जा तो 2 आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 ये हमारा इक्वेशंस आ गए ओके। क्वेश्चन वन की पार्ट कंप्लीट हो गए, उसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन सेंड मी द कमेंट सेक्शन आई विल सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू सी माय द न्यू वीडियोस ओके थैंक यू।